नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज़ और मैं मोहम्मद मुश्ताक। जैसा कि अभी हम लोग को जानकारी मिला और काफ़ी लोग भ्रम में भी है और एक तेज़ी से खबर वायरल हो रहा है कि झारखंड पंचायत का जो चुनाव है वो आपको नवंबर में स्टार्ट होने वाली है। लेकिन हालांकि इस खबर का पुष्टि ग्रीन लाइन नहीं करता है, लेकिन एक आजाद सिपाही में खबर 2020 में एक छपी हुई थी, उस खबर को लेके अभी हालांकि हर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है जे 22 नवंबर को पहला चरण में जो झारखंड में है चार चरण में चुनाव किया जाएगा। पहला चरण 22 नवंबर को होगा, दूसरा चरण जो है 28 नवंबर को, तीसरा चरण 5 दिसंबर को, चौथी चरण जो है 12 दिसंबर को होने की बात बताई जा रही है। ये खबर वायरल हालांकि देखा जाए पूरा झारखंड में हो रहा है और इस खबर का क्या हकीकत है, हालांकि अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन चुनाव आयोग द्वारा नहीं मिला गया है, लेकिन इसका जब हम लोगों ने जाँच पड़ताल किया, ये जो खबर प्रकाशित किया गया था आजाद सिपाही में 8 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार को ये प्रकाशित किया गया था, क्योंकि पिछले साल जो है पंचायती जो चुनाव का जो मुखिया लोगों का पद समाप्त होने वाला था, झारखंड सरकार द्वारा चुनाव कराने की बात भी हो चुकी थी, सारी तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे रहने की वजह से तैयारी जो असफल रहा और चुनाव नहीं हो पाया था, वो डेट को लेकर कहीं ना कहीं आज काफ़ी वायरल कर रहे हैं। लेकिन अभी जो 2021 का जो अभी चुनाव आयोग द्वारा कोई ऐसा नोटिफिकेशन अभी तक हम लोग को प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि ये न्यूज़ गलत है, सही है, इस चीज़ का पुष्टि ग्रीन लाइन नहीं करता है, लेकिन किसी भी अफवाह पर ये पर आपको ध्यान नहीं देना है। जब तक आप अगर पेपर को देखते हैं, किसी भी नोटिफिकेशन अगर आपके पास जाती है तो किसी भी पेपर के माध्यम से उसका डेट आप अवश्य देखें। कहीं ना कहीं आपके पास जो भी आज समाचार पहुँच पा रहा है जो चार चरण में चुनाव किया जाएगा उसका आप डेट अवश्य देखें। उस डेट में साफ हमारे पास भी है जो आजाद सिपाही में है, आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, इसमें साफ तौर पर जो हमें नज़र आ रहा है 8 नवंबर को प्रकाशित किया गया था इस चुनाव को लेके अगले साल 2020 का, उस खबर को कहने के आज काफ़ी लोग जो है वायरल कर रहे हैं, जो काफ़ी तेज़ी में वायरल जो हो रहा है, जो पंचायत चुनाव का 22 नवंबर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये क्या मामला है, ये हालांकि जांच का विषय भी है और चुनाव आयोग द्वारा अभी कुछ ऐसा नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुई है, तो ये सब अफवाह में न फैले और इसका क्या सच्चाई है बिना जाने हुए लोगों का भी मशवरा न दें, इस पर आप सावधान रहें। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कक्षा नर्सरी से 10वीं तक छठ पूजा से पहले निःशुल्क एडमिशन कराएं। यहां पर बच्चों को रहने, खाने एवं शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था उपलब्ध है।